स्पाइडरमैन खूब चर्चा में है। कभी ये स्पाइडरमैन आपको बड़े मंगल के भंडारे में पूड़ियाँ बेलता दिखाई देगा, कभी ट्रैफिक मैनेजमेंट करता हुआ दिखाई देगा, और हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचा था जब इसकी चर्चा खूब हुई थी। हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के स्पाइडरमैन, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये परीक्षा में पहुंचे थे और क्या कुछ आगे करना चाहते हैं। पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में बताइए, और पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, उस दिन आपने किस तरह से एग्ज़ाम दिया था, और ये जो फुटेज जो आपका वायरल हुआ था, क्या वो एग्ज़ाम के पहले का था, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मेरा जो UPP एग्ज़ाम का सेंटर गया था वो लखीमपुर खीरी में गया था, और वहाँ पे एग्ज़ाम की डेट के एक दिन पहले मैं वहाँ चला गया था, और मैं साथ ही साथ वीडियोस भी बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो एक थोड़ा सा पहले से प्लान था कि कुछ वीडियोस कंटेंट वहाँ भी क्रिएट करना है, और मैं अचानक से एक दिन पहले ही वहाँ सेंटर के आसपास ऐसे बनाते हुए घूम रहा था, तो कुछ मीडिया के लोग वहाँ पे मुझसे मिले और इस चीज़ को लेके पूछने लगे मेरे बारे में। मैंने सारी चीज़ें बताई और उसी बीच में एक वीडियो भी मेरा वायरल हो गया काफ़ी तेज़ी से। तो जब वहाँ से वापस आया तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, तो अब उस चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है। अभी तक तो कोई नेगेटिव ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे, पर मैं खुश हूँ कि सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो अभी तक सब कुछ सही जा रही हैं, और मेरी जो वीडियोज़ हैं वो एक के बाद एक मैं देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं, प्लस सोशल मीडिया के सारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी दिखा रहे हैं इसे। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, मैं भी आगे बढ़ूं। अच्छा, पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करें तो उस दौरान काफ़ी सख्ती थी, तो क्या डर लग रहा था कि हम इस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो कहीं प्रॉब्लम में ना पड़ जाए? अब एक डर तो था कि कहीं पुलिस इस चीज़ को लेके कहीं एक्शन ना ले ले, लेकिन मेरा ये कोई ऐसा मोटिव भी नहीं था कि मैं सेंटर पर जाके किसी को परेशान करूँ या कुछ वहाँ पर बाधा मेरी तरफ से हो पाए। थोड़ा सा मैं सेंटर के बाहर ही था लेकिन वहाँ से काफ़ी दूर भी था। एक छोटा सा वीडियो मुझे 10 से 15 सेकंड का बनाना था, जो कि एक स्टूडेंट के साथ ही बनाना था, वो बन भी गया था, और मैं वहाँ से तुरंत फिर चला भी गया, और इतने ही देर में एक सीन भी मेरा रिकॉर्ड हो गया था। तो फिर अब उसी के बाद में जस्ट मीडिया भी वहाँ पर पहुँच गई, और फिर वो वीडियो जो आप देख रहे हो अभी सोशल मीडिया पर, उसके बाद का ही सीन है वो, तो ऐसे हो गया पूरा रिकॉर्ड। तो आपका मतलब वैसे क्या है कंटेंट क्रिएशन के लिए आप ये कॉस्ट्यूम पहन के अलग अलग जगह पर करते हैं? हाँ, ये बस एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होता है। कभी कभी मैं सोशल अवेयरनेस के वीडियोस भी बनाता हूँ, पर ज़्यादातर मेरा एंटरटेनमेंट के वीडियोस हैं, कॉमेडी वीडियोस होती हैं, और आपने काफ़ी वीडियोस देखे भी होंगी जो लखनऊ की ही स्पाइडरमैन वाली वीडियोस होती हैं, वो सारी मेरी ही थी, और बस बना ही जा रहा हूँ, और अभी काफ़ी अच्छे रीच और वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं उस पर लगातार काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पर आपका कौन सा पेज है, और जब से आपने ये शुरू किया है इसकी शुरुआत कहाँ से, उसके बारे में बताइए, और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अब इसकी शुरुआत मैंने वैसे ही मतलब ऑनलाइन मीडिया पर ही देखा हुआ था। एक मतलब कोई एक ऐसे इंसान थे जो मंदिरों में ऐसे पूजा चल रही थी, और वहाँ पर एक इंसान मतलब इस कॉस्ट्यूम में बैठ करके वो भी पूजा में शामिल था। वहीं से थोड़ा सा ऐसे आइडिया आया था कि इस चीज़ को लेके मैं मतलब सोशल मीडिया पर बना सकता हूँ अच्छी वीडियोज़, तो शुरुआत वहीं से हुई थी धीरे धीरे, और बहुत ही कम समय में काफ़ी तेज़ी से इसका रिस्पॉन्स भी मिला, और काफ़ी अच्छे से मेरी वीडियोज़ भी चल गई। तो एक के बाद एक मैं डेली ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ इंस्टाग्राम पर, और जो सोशल मीडिया है मेरा वो भी आपका स्पाइडरमैन के नाम से काफ़ी फेमस हो गया इंस्टाग्राम पर, और अभी अच्छे खासे मेरे लगभग 12,500 फॉलोअर्स भी हो चुके हैं, डेली के अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं इस पर लगातार काम भी कर रहा हूँ। तो स्पाइडरमैन को ही क्यों चुना, क्या आपका फेवरेट कैरेक्टर है, या ऐसा कुछ सोचा था कि बस ये लगा कि ऐसा कोई कैरेक्टर अगर इंडियन फ़नी चीज़ें करता है तो वो ज़्यादा जल्दी वायरल हो सकता है? अब स्पाइडरमैन के थोड़ी सी कॉस्ट्यूम थोड़ा पहनना और आसान होता है, ऐसी चीज़ें मतलब इस चीज़ को पहनना और गेटअप में आना ये थोड़ा आसान चीज़ है। बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनके कॉस्ट्यूम थोड़ा सा उतना इजी नहीं होता, कम समय में अगर ज़्यादा कुछ बनाना होता है, तो मेरे लिए यही कॉस्ट्यूम ज़्यादा अच्छा था, मैं यही बनाता गया फिर इसी पर, और ये काफ़ी अच्छे में ट्रेंड में भी आ गया, तो बस काम कर रहा हूँ इस पर, और फ्यूचर में हो सकता है मैं और भी प्लान कर रहा हूँ, अगर सब कुछ अच्छा चला तो और भी कैरेक्टर्स को मैं इसमें ऐड करूँगा फिर। अच्छा, आपने अभी तक जो कंटेंट बनाया है, आपके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप जब कहीं जाते हैं तो आपको अटेंशन भी अच्छा खासा मिलता है, किस तरह के कमेंट आते हैं, पॉजिटिव रहते हैं नेगेटिव रहते हैं, उनसे किस तरह से मोटिवेट या डीमोटिवेट होते हैं? अब जो भी मैंने कंटेंट अभी तक बनाया है वो सारी वीडियोज़ पर लगभग 99% पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं, सारे के सारे फ़नी कमेंट्स ही होते हैं, उसमें से कहीं 1-2% होता है जो नेगेटिव होता है, पर मैं उस पर उतना ध्यान ही नहीं देता। अब इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स में ही आ रहे हैं तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, और लोग उसमें मुझे सजेस्ट भी करते हैं कि और आगे मुझे क्या इसमें बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मेरे काम के ही मेरे फेवर में ही चल रही हैं अभी, तो यही है।
लोगों को हंसाना खुश रखना काफ़ी बड़ी बात होती है, और आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके कंटेंट बनाते हैं, उससे लोगों को तक ये मैसेज पहुंचता है। लेकिन फैमिली को क्या पता है, क्या आपने कभी रिवील किया कि मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ या जो ये वीडियो वायरल हो रहे हैं वो मेरे ही है? नहीं, अभी तक फैमिली को तो मैंने कभी नहीं बताया और अभी के लिए बता भी नहीं सकता। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा एक अच्छे लेवल पर अगर मैं जिस दिन आ जाता हूँ तो बताना मेरे लिए थोड़ा सा ठीक हो, पर अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है चीज़ बताना। तो चेहरा अभी तक आपने रिवील नहीं किया? हाँ, अभी तक चेहरा नहीं दिखाया, पर मैंने एक फ़ोटो शायद अभी डाल दी अपनी सोशल मीडिया पर, अगर वो चीज़ देखना चाहें तो मैं भी दिखा सकता हूँ। आप रिवील करना चाहेंगे? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ चेहरा भी, अभी अब कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आप रिवील करके अपना नाम वगैरह जो आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि स्पाइडर मैन के पीछे जो चेहरा है, जो सबको हंसाता है और जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, वो कौन है और क्या आगे चाहते हैं? सबसे पहले मेरा नाम आदर्श पांडे है और मैं लखनऊ में ही रहने वाला हूँ, यहाँ का ही रहने वाला हूँ, और अच्छी वीडियोज़ मैं बना ही रहा हूँ लगातार, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो अब इस पर एक के बाद एक मैं लगातार डेली वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये सारे लोग अभी देखें, और मेरी सोशल मीडिया की जो हैंडल है वो है आपका स्पाइडर मैन के नाम से, आप एक बार ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सारी वीडियोस मैंने बहुत मेहनत करके भी बनाई है, बहुत इस पर काम भी करता हूँ मैं, तो आप अगर देखोगे तो काफ़ी पसंद आएगा वो। तो आदर्श, आगे क्या चाहते हैं? जैसे आपने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी, पुलिस में ही जाना चाहते हैं या कि कोई और सर्विसेज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? अभी मेरी मेन तैयारी तो सिविल सर्विसेज़ के लिए है, लेकिन अब फैमिली का प्रेशर होता है कि आप इस चीज़ को लेकर भी, अभी जैसे वैकेंसी आ जाती है तो आप इसमें भी ट्राई करो, क्योंकि अभी कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो तो उसमें आपका हो ही जाएगा, एक आपको सेकंड ऑप्शन या बैकअप के लिए रखना भी चाहिए, तो उसी के लिए बस UPP में दे ही रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पाया, फिर भी आगे जो वैकेंसीज आएंगी मैं उसमें भी ट्राई करूँगा, और मेरा जो मेन अभी पढ़ाई चल रहा है वो UPSC के लिए ही मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी अपने। ठीक है, तो आदर्श, आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप जिस तरह से कंटेंट बनाते हैं उसी तरह से बनाते रहिए और लोगों को खुश करते रहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ुद भी खुश रहिए। तो ये है आदर्श पांडे, जो कि लखनऊ के स्पाइडर मैन के नाम से फेमस है। अभी तक इन्होंने अपना चेहरा रिवील नहीं किया था, आज न्यूज़ 18 पर अपना चेहरा भी रिवील किया है और बताते हैं कि ये सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं और इनका मोटिव यही है कि कंटेंट के द्वारा जो लोग हैं उनको खुश किया जा सके, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाई जा सके। कैमरा पर्सन अनिल के साथ इतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।